एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अभी तक आप लोगों ने अकाउंट्स ओनली पढ़ा है। अकाउंट्स ओनली मीन्स क्या है, जैसे हम कोई भी माल खरीदते थे या बेचते थे तो उसमें हम माल का जो वैल्यू होता था बस उतना ही लिखते थे। जैसे माल 50,000 का माल खरीदा तो हम लिखते थे परचेज अकाउंट DR टू कैश। उसमें ये कन्फर्म नहीं होता था कि अगर हमने 50,000 का माल खरीदा तो उसमें क्या क्या आइटम हमने खरीदे, चूँकि हम अकाउंट्स ओनली पर वर्क कर रहे थे। आज हम आप लोगों को अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री का क्या यूज़ है वो हम आप इसको आपको बताएंगे। जैसे मास्टर के अंतर्गत आप अकाउंट इन्फो करते थे, उसी तरीके से मास्टर के अंतर्गत ही ऑप्शन होता है इन्वेंट्री फीचर्स में जा करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत आने वाले सारे ऑप्शन जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये इसका कंप्लीट बेसिक मैं आपको बताऊंगा, तथा ये क्रिएट कैसे किए जाते हैं, इनको हम आपको आज क्रिएट करके इसमें कैसे इसको बनाया जाता है, उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं, वो हम सब कुछ आपको इसमें कम्प्लीटली बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चूँकि ये बेसिक वीडियो है, और यदि आपको किसी टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आगे की चीज़ें उसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तथा यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टैली की क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत आने वाले सारे ऑप्शंस का हम बेसिक समझते हैं, तथा उसे हम क्रिएट करके देखते हैं कैसे हम उसे क्रिएट करेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सब कुछ करके देखते हैं। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रेजेंट टाइम में हम अपने गेटवे ऑफ टैली टैली के मेन विंडो पर हैं। आप देख रहे हैं मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो है। आज की क्लास में हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, तो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में वर्क करने के लिए हमें अकाउंट्स इन्फो की भी ज़रूरत होगी और इन्वेंट्री इन्फो की। अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत सारे ऑप्शंस को आप जानते हैं क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। जिसने भी पिछली क्लासेस ना देखी हो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जा करके प्राप्त कर सकता है। इन्वेंट्री इन्फो को हम यहां से, अगर हमारे इस कंपनी में इन्वेंट्री इन्फो एक्टिवेट नहीं है, अकाउंट्स ओनली कंपनी सेव है, तो यहां पर हम इन्वेंट्री इन्फो को एक्टिवेट करने के लिए F11 पर फीचर्स पर जाकर के क्लिक करते हैं और हम अकाउंटिंग फीचर्स पर चले जाएंगे, जहां से हम ये ऑप्शन अगर नो है तो इसे हम यस करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है। पुरानी जो टैली के पुराने वर्जन्स होते थे उसमें हम कंपनी बनाते टाइम पर ही मेंटेन कर लेते थे कि हमारी कंपनी अकाउंट्स ओनली होगी या अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री होगी। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर अकाउंट्स ओनली चाहिए तो हमें इसे इस ऑप्शन को यस करना होगा, मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस करना होगा, बट हमें अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री चाहिए तो इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन हम यस रखते हैं। अगर हम इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर के इन्वेंट्री फीचर्स पर जाकर के सेटिंग करना चाहें तो ये सेटिंग हम इन्वेंट्री फीचर्स पर भी कर सकते हैं। हम यहीं पर F2 प्रेस कर दें, इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी जनरल में पहला ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये ऑप्शन यस करना जरूरी है। तो चाहे हम इन्वेंट्री फीचर्स में जा करके एक्टिवेट कर लें या हम अकाउंटिंग फीचर्स में जा करके एक्टिवेट कर लें, कहने का मतलब इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं से एक्टिवेट करना होगा, चाहे हम अकाउंटिंग फीचर से जा करके करें या फिर इन्वेंट्री फीचर से जाकर करें। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं। आप देख रहे हैं मास्टर में अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। आज की क्लास में हम इन्वेंट्री इन्फो का बेसिक आपको बताएंगे। यहाँ हम एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फो पर हम आ चुके हैं। इसमें स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, ये तीन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमें काम करना है इन्वेंट्री आइटम डिटेल्स देना है तो जैसे हम लेज़र में ग्रुप बनाते थे, ग्रुप होता था बना बनाया रहता था या हम नया बनाते थे, तो उसी तरीके से यहाँ स्टॉक ग्रुप है। आइटम हम किस ग्रुप में डाल रहे हैं वो पहले हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर हम यूनिट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। इसमें स्टॉक कैटेगरी भी अगर हम लाना चाहते हैं तो यहीं पर हमें जाना होगा, यहाँ से हम बैक कर लें, हम F11 करते हैं या हम फीचर्स में चले जाते हैं, यहाँ पर फीचर्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स पर हम चले जाते हैं, यहाँ से एंटर कर लेते हैं या डबल क्लिक कर लें। इसमें आप देख रहे हैं हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से यस कर लेते हैं और एंटर करते हैं, सेटिंग को हम Ctrl A के साथ सेव कर लेते हैं। हम बैक आ जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो पर हम पुनः जाते हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो गई। तो हम यहाँ एक एक करके क्रिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करके बताते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे लेज़र बनाते टाइम पे सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र का ऑप्शन आता था, ऐसे यहाँ स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने में भी सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप आता है। मतलब सिंगल में हमें एक एक बना करके सेव करते हैं, तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के द्वारा हम एक साथ कई सारे ग्रुप को बना करके सेव कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो लेजर ग्रुप्स होते हैं वहाँ 28 ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं। बट यहाँ स्टॉक आपकी कंपनी किस प्रकार का बिजनेस आप कर रहे हैं, आप किस कमोडिटी पे काम करते हो, आपका रेडीमेड का बिजनेस है या आपका जनरल स्टोर है, या आप जिस टाइप का व्यापार आप कर रहे होंगे उस तरीके का आपका स्टॉक ग्रुप बनता है। तो मान लीजिए हमारा टेलीकॉम बिजनेस है, तो हम उससे रिलेटेड ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट पर चले जाते हैं, हम नेम में लिखते हैं। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम कोई एंट्री आपको बताएंगे तो उस एंट्री से रिलेटेड ऑप्शन आपको समझाएंगे, बट अभी हम आपको केवल स्टॉक ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं या यूनिट कैसे हम क्रिएट करते हैं, वो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज की क्लास जो होगी वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का बेसिक क्लास है, तो इसमें आपको बेसिक हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहे हैं। नेम में हम यहाँ डालते हैं, मान लीजिए हम टेलीकॉम बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है मेरा, तो हम यहाँ दो टाइप की मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया नोकिया, नोकिया हमने ग्रुप डाल दिया। या डायरेक्टली अगर हम एक ही ग्रुप बनाना चाहते हैं, मोबाइल फोन्स हम ग्रुप कर सकते हैं, उसके अंदर हम सारे, अगर हमें मॉडल ना दे करके कंपनी के नेम से ग्रुप को आइटम को शो कराना है तो हम डायरेक्टली आइटम का नाम नोकिया सैमसंग ये हम आइटम मान सकते हैं और ग्रुप में हम मोबाइल फ़ोन डालें। बट यहाँ मैं आपको स्टॉक ग्रुप जो है वो हम डायरेक्टली कंपनी के नेम से बना दे रहे हैं। जैसे नोकिया कंपनी है मोबाइल की, तो हमने यहाँ नेम में नोकिया डाल दिया। एंटर करते हुए हम आते हैं, जो ये चूंकि हमारे पास कोई भी ग्रुप पहले से अवेलेबल नहीं है, तो जो भी हम नया ग्रुप बनाएंगे वो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत हम बनाते हैं। यहाँ अंडर में प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, चूंकि जब हम आइटम सेल्स परचेज करेंगे, आइटम परचेज करेंगे तो उसके साथ हमें उसकी क्वांटिटी भी ऐड करनी होगी। मतलब कितना हम पीस खरीद रहे हैं या हम कितने बॉक्सेस ले रहे हैं, या जो भी हमारा यूनिट होगा, आपके आइटम के अकॉर्डिंग ही आपका यूनिट होता है, तो वो हम यूनिट हमें ऐड करना होगा, इसलिए हम यहाँ क्वांटिटी को यस कर लेते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने नोकिया एक ग्रुप बना लिया, अब हम दूसरा ग्रुप बना लेते हैं सैमसंग। मान लीजिए सैमसंग की भी मोबाइलें हम बेचते हैं, तो एक सैमसंग नाम से मैंने ग्रुप क्रिएट किया, अंडर में प्राइमरी कर दिया और यहाँ पर सुट क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड। जैसे अभी नोकिया के साथ मैंने क्वांटिटी को ऐड किया, यहाँ यस किया सेटिंग को, इसलिए यहाँ सेटिंग को हम यस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। हमने दो ग्रुप क्रिएट किया, एक नोकिया नाम से और एक सैमसंग नाम से। हम यहाँ एस्केप की को प्रेस करते हुए बैक आ जाएंगे। आप देख रहे हैं डिस्प्ले में हम आ जाएँ, जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है ये दोनों ग्रुप आपको यहाँ पर नोकिया एंड सैमसंग शो कर रहा है। हम बैक आते हैं, तो इस तरह से हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं, हम स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी पर हम एंटर करते हैं। यहाँ भी कोई भी कैटेगरी पहले से अवेलेबल नहीं है, तो हम चलते हैं कैटेगरी बनाते हैं। जैसे हम फ़ोन का बिजनेस कर रहे हैं, और आप जानते हैं फ़ोन दो प्रकार से, एक बेसिक फ़ोन होता है और एक आपका मल्टीमीडिया फ़ोन होता है, या जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। तो हम चलते हैं दो कैटेगरी बना लेते हैं। आपके प्रोडक्ट के आधार पर ही उसकी कैटेगरी बनती है, तो उस हिसाब से आप बना लेंगे। मैं एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक फ़ोन कर ले रहा हूँ, बेसिक फोन, एंटर करते हैं, अंडर में प्राइमरी हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे। और एक हम स्मार्टफोन बना ले रहे हैं, स्मार्टफोन, एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की को प्रेस करते हुए हम बैक आ जाएंगे। आप यहां भी डिस्प्ले करके देखेंगे कि एक बेसिक फोन और एक स्मार्टफोन नाम से कैटेगरी बन गई। हम चलते हैं यूनिट बनाते हैं। पहले हम स्टॉक आइटम नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्टॉक आइटम में हमें यूनिट को सेट करना होता है। तो हम सबसे फर्स्ट यूनिट बना लेते हैं, यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं यूनिट क्रिएशन आ गया है। इसमें सबसे फर्स्ट टाइप है, अगर हम बैक करके जाएं, अगर हमें मिक्स यूनिट बनानी है तो उसे हम कंपाउंड के अंतर्गत करते हैं। अगर हमें सिंपल यूनिट बनाना है तो हम सिंपल यूनिट के अंतर्गत वर्क करते हैं। जैसे हम किलोग्राम और ग्राम बनाना चाहते हैं, या घंटा और मिनट बनाना चाहते हैं, तो आवर एंड मिनट्स, तो हम उसके लिए कंपाउंड यूनिट यूज़ करेंगे। इसको हम आगे बताएंगे आपको।
अभी हम सिंपल बनाते हैं, सिंपल को एक्सेप्ट करते हैं, यहां पर हम सिंपल यूनिट को एक्सेप्ट किया, सिंबल में हमने डाल दिया NOS, नॉस मतलब नंबर्स, फॉर्मल नेम इसका सिंबल में NOS करके हमने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया और फॉर्मल नेम में हमने नंबर लिख दिया, नंबर्स। एंटर करेंगे, कोई भी नंबर है तो वो डेसिमल में नहीं जाएगा, जैसे हम एक पीस ले रहे हैं, आधी पीस तो ले नहीं सकते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे हम आवर जब हम कंपाउंड यूनिट बनाएंगे तो उसमें हमें डेसिमल प्लेसेस पर टू करना होगा, जैसे घंटे के साथ हम मिनट देना चाहते हैं, है ना, तो हम यहां पर टू करेंगे, बट यहां अभी नॉस बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे हम जीरो रखेंगे। एंटर करेंगे, सेव कर लेंगे। इस तरह से हम एस्केप की प्रेस करते हुए बैक आ जाएंगे। यहां डिस्प्ले करके भी आप देखना चाहते हैं तो NOS नाम नंबर्स करके बन गई मेरी यूनिट। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम बना लेते हैं। आप ध्यान दें कि सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर कैटेगरी बनाया, फिर यूनिट ऑफ मेजर बनाया, उसके बाद हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं, क्योंकि स्टॉक आइटम में ये ऊपर जितना भी हमने कुछ बनाया है वो सारी चीजें इसमें हमें उसको सेट करना होता है, तो हम पहले ही ये सारी चीजें बना लेते हैं, फिर हम स्टॉक आइटम लास्ट में बनाते हैं। यहां चलते हैं, एंटर करते हैं, क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम नोकिया 3310 बना रहे हैं, 3310 3310, ये आपका एक बेसिक फोन है। यहां से एंटर करते हैं, अंडर में हम करते हैं नोकिया, कैटेगरी में करते हैं बेसिक फोन और यूनिट में करते हैं NOS। देखा, चूंकि मैंने ये सारी चीजें पहले से बना रखी थी इसलिए यहां पर हम सेट करते हुए चले गए। यहां से एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते आते हैं, चूंकि हम यहां में अगर हमें माल को परचेज ना करना हो तो हम ओपनिंग बैलेंस में यहां डाल देंगे, तो जब हम सेलिंग करते जाएंगे तो हमारा बैलेंस माइनस में नहीं आएगा, मतलब आपकी जो क्वांटिटी होगी वो माइनस में नहीं आएगी, तो यहां पर हम कुछ क्वांटिटी ऐसे ही डाल दे रहे हैं। एंटर कर देते हैं, हम कोई रेट वगैरह अगर देना चाहते हैं नहीं तो हम यहां से डायरेक्टली एक्सेप्ट करके आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने आइटम क्रिएट कर लिया। ओपनिंग बैलेंस डालना जरूरी नहीं है, यदि आपको परचेजिंग भी करके दिखाना है तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालने की आवश्यकता नहीं होगी। चलते हैं, एक और बना लेते हैं, सैमसंग J7 हमने बना लिया, यहां पर सैमसंग J7 को हमने सैमसंग ग्रुप में डाल दिया, कैटेगरी को हमने स्मार्टफोन में कर दिया और यहां यूनिट हमने NOS किया, नंबर्स कर दिया। सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, ये सेटिंग इसको हम चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, यहीं पर हम F12 प्रेस कर दें तो यहां पर जो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन शो कर रहा है ये हम नो कर दें, एक्सेप्ट कर लें, बाहर आ जाए। तो जब हमें एक्स्ट्रा सेटिंग्स की जरूरत होगी तो हम इसको आपको करके दिखाएंगे, बट अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, तो आपको स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है वो हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें। नेम में हमने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, अंडर में जो हमने ग्रुप बना रखा था उसमें से ग्रुप हमने सैमसंग ग्रुप चुन लिया, कैटेगरी जो हमने बना रखा था उसमें से हमने स्मार्टफोन चुन लिया, यूनिट हमने जो बना रखा उसमें NOS हमने चुन लिया। अभी कोई हम टैक्सेशन पर वर्क नहीं कर रहे हैं इसलिए स्टेटरी इन्फॉर्मेशन हम नहीं डाल रहे हैं। एंटर करते आते हैं हम, यहाँ पर हमने स्मार्टफोन एक क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस हमने प्रोवाइड कर दिया कि इतना फोन हमारे पास अवेलेबल है पहले से, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। हम यहां से बैक करके आ जाएंगे, एस्केप की प्रेस करते हुए बैक आएंगे, डिस्प्ले करके हम देखेंगे तो हमने दो आइटम यहां पर क्रिएट कर लिया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक स्टॉक ग्रुप कैसे हम बनाते हैं, स्टॉक कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैंने आपको आज बताया। वाउचर टाइप में जो वाउचर्स हम यूज करेंगे वो बाय डिफॉल्ट वही वाउचर जो आपको अकाउंट्स इन्फो या अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत जो वाउचर टाइप में वाउचर्स दिखते हैं वही सारे वाउचर्स यहाँ भी अवेलेबल हैं। एलोकेशन डिटेल अगर हमें यहाँ पर डालना है, लिखना है, कॉपी करना है तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एलोकेशन डिटेल, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इन्वेंट्री इन्फो के जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका आपको यूज करना है किसी भी परचेज और सेल की एंट्री में, वो मैंने आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये कंप्लीटली आपको क्रिएट करके मैंने बताया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। यदि कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप एक दो बार करके देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।